आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बोली वित्त मंत्री, पुरानी पेंशन के लिए वापस नहीं होगा एनपीएस का पैसा। शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन, यह रखी मांग। निपुल लच के लिए अवस्थापना सुविधाओं के जांच का आदेश, और अब बच्चे करेंगे जादुई पिटारे से पढ़ाई। तो आइए दोस्तों खबरों को देखते हैं विस्तार से। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस बहाल किए जाने पर एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिलेगा। जयपुर से एक खबर है, राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना अर्थात ओपीएस में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहां कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है। सीतारमण ने कहा कि उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि नई पेंशन योजना में पैसा कर्मचारियों से संबद्ध है और यह एक समझौता कर्मचारी व एनपीएस ट्रस्ट में है। केंद्र का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हाल ही में कहा है कि एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिला तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और पूरे देश में कर्मचारी इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण संडे के दिन यानी रविवार के दिन आप देख सकते हैं हरियाणा से, जो कि हरियाणा में बजट सत्र के ठीक पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर यहाँ पे तमाम कर्मचारियों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। ओपीएस की मांग को लेकर रविवार को प्रदेश भर के कर्मचारी इकट्ठा हुए थे और पंचकुला से चंडीगढ़ कूच कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की और यहाँ पे झड़प हुई, और इस तरह से यहाँ कर्मचारी जो है वो आंदोलनरत हो गए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये बयान ओपीएस के विपरीत है, जो कि कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। महासम्मेलन, शिक्षा मित्रों की मांग, शिक्षकों के बराबर हो मानदेय। केंद्रीय मंत्री बोले सरकार तक पहुंचाएंगे उनकी बात। लखनऊ से खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने प्रदेश सरकार से उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें शिक्षकों के वेतन के बराबर मानदेय देते हुए 62 वर्षों तक सेवा करने का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही 12 माह वेतन या मानदेय देकर शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने की भी मांग उठाई है। शिक्षा मित्रों ने यह मांग सोमवार को राजधानी के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में आयोजित महासम्मेलन के दौरान उठाई। महासम्मेलन का आयोजन आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ समेत विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। महासम्मेलन में कई शिक्षा मित्र अपने परिवार के साथ पहुंचे। महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय वर्ष में 11 महीने ही मिलता है, ऐसे में शिक्षा मित्रों के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। शिक्षा मित्रों के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ है, बच्चों की पढ़ाई व उनकी शादी की जिम्मेदारी भी उठाने में मुश्किल हो रही है। इस कारण शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में अवसाद की स्थिति में जी रहे हैं, इसलिए उनकी स्थिति को सुधारा जाना बहुत जरूरी है। सभी संगठन के नेताओं ने कहा कि वह एकजुटता दिखाने के लिए ही एक मंच पर आए हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से कहीं कहीं इनके मानदेय पर विचार करना चाहिए और इनके मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए में भरण पोषण वर्तमान समय की महंगाई दौर को देखते हुए काफी मुश्किल काम है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। निपुण लक्ष्य पाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का करें निरीक्षण। लखनऊ से खबर दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत के लक्ष्य की प्राप्ति व विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को पूरा किए जाने की बकायद जोरों पर है। इसी क्रम में राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आंज ने सभी डायट प्राचार्यों व मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को अवस्थापना सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण करने को कहा है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि उन्होंने कहा कि डायट प्राचार्य खुद हर हफ्ते कम से कम एक ब्लॉक संसाधन केंद्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक स्थलीय निरीक्षण करें। मंडली सहायक शिक्षा निदेशक हर माह कम से कम 2 केंद्रों का निरीक्षण करें। इसमें वे शिक्षक संदर्शिका के प्रयोग, पाठ्य योजना आधारित कक्षा शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, विद्यार्थियों के नामांकन, आधार सत्यापन, मिड डे मील, कार्यालय भवन आदि की स्थितियों का निरीक्षण करें। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जाकर स्थलीय निरीक्षण करें। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। अब बच्चे करेंगे जादुई पिटारा से पढ़ाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनईपी 2020 के तहत बाल वाटिका को किया लॉन्च। जादुई पिटारा तैयार करने वाली एनसीईआरटी की टीम की सदस्य प्रोफेसर रंजना अरोरा ने बताया है, इसे प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, कठपुतलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट, एनिमेशन, आकर्षक किताबों के साथ साथ स्थानीय सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भ और
भाषाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सोमवार को बाल वाटिका 1, 2 और 3 और पहली व दूसरी कक्षा के लिए NCERT द्वारा तैयार जादुई पिटारा नामक पाठ्यक्रम को लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस उम्र के बच्चे खेल खेल में अधिक सीखते हैं, इसलिए उन्हें किताबों के बोझ से निजात देने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत तैयार यह जादुई पिटारा खेल, चित्रकला, नृत्य व संगीत के माध्यम से शिक्षा से जोड़ेगा। आगे बताया गया है कि बाल वाटिका में किताब और कॉपी नहीं होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल वाटिका 1, 2 और 3 के बच्चों का कोई स्कूल बैग नहीं होगा। बच्चे घर से अपने स्कूल बैग में अपने मनपसंद खिलौने, कपड़े और टिफिन लेकर आएंगे। स्कूल में पारंपरिक डेस्क व बेंच की जगह लकड़ी के घोड़े, गोल आकार के मेज, छोटी छोटी कुर्सियां और सामने दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन। यहाँ अलग अलग कार्टून, कहानियां, डांस, ड्राइंग के माध्यम से बच्चे खेल खेल में जमा घटाव, अंक, बात करने का तरीका, भाषा और अन्य जानकारियां हासिल करेंगे। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के बैग के भार तो कम करेंगे ही, इनके मानसिक दबाव को भी कम करेंगे, जिससे इनकी मानसिक स्थिति और भी सुदृढ़ और मजबूत हो पाएगी। तो दोस्तों, ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।